नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुवार का दिन जहां बृहस्पति देव का दिन माना जाता है, वही यह दिन भगवान श्री हरि को भी समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि श्री हरि की कृपा पानी हो तो गुरुवार के दिन पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, क्योंकि श्री हरि को पालनहार कर्ता कहा जाता है। गुरुवार के दिन कुछ ऐसे उपाय बताए गए हमारे शास्त्रों में, जिन्हें अपना करके भगवान श्री हरि और बृहस्पति देव यानी कि दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को मनवांछित कामना पूर्ति करने वाला गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, जिन उपाय को अपना करके कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य उदय कर सकते हैं। नौकरी में परेशानी आ रही, व्यवसाय में परेशानी आ रही है, धन वृद्धि करने में परेशानी आ रही है या निर्धन है, ऐसे व्यक्ति भी गुरुवार के दिन उपाय करने के बाद धनवान बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किस प्रकार के शास्त्रों की जानकारी आपको भी मिले, प्राचीन ज्ञान की अच्छी अच्छी जानकारी आपको सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े और इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते तो इसमें आपको ही नुकसान होने वाले, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आते हैं। तो मित्रों, गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठें और रोजमर्रा के कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान के पानी में चुटकी भर हल्दी जरूर डालें और स्नान के बाद बृहस्पति देव की पूजा करें। अब नहाने के पानी में हल्दी क्यों डालें? क्योंकि हल्दी डालने से हमारे जो कुंडली में, हमारे जो जीवन में परेशानी आ रही, बाधा आ रही है, उसे चुटकी भर हल्दी समाप्त कर देते हैं। साथ ही बृहस्पति देव की कथा जरूर सुनना चाहिए। ध्यान रखें कि किताब पढ़ने से पहले उस पर पीले रंग के फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए, धूप बत्ती दिखाना चाहिए। इसके बाद पूरी श्रद्धा से ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का अगर 11 बार या 21 बार जप किया जाए तो बृहस्पति देव हमारे सभी धन आने के मार्ग को खोलते हैं, शिक्षा में हमारे वृद्धि करती हैं या आपको नौकरी व्यवसाय नहीं मिल रहे हैं तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करने से नौकरी व्यवसाय मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही मित्रों, गुरुवार के दिन जब बृहस्पति देव की पूजा करें तो केले की वृक्ष की पूजा जरूर करना चाहिए। साथ ही केले के वृक्ष में जल और पीले रंग की पुष्पा अवश्य चढ़ाना चाहिए। वही अगर विवाह होने में अड़चन आ रही है तो गुरुवार व्रत का संकल्प करना चाहिए, या अगर आपको धन वृद्धि करने में कोई परेशानी आ रही, जीवन में आगे बढ़ने में कोई आपको बार बार तकलीफ आ रही है, अड़चन आ रही है जिससे आपके आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको गुरुवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद कम से कम 11 गुरुवार तक नियमित रूप से आपको व्रत रखना चाहिए, इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस दौरान पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए और भोजन में पीली चीजों का ही सेवन करना चाहिए। हो सके तो गुरुवार के दिन केले का दान करें। जो व्यक्ति अगर गुरुवार के दिन केले का दान करते हैं तो उनके 7 जन्मों का दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी उसके घर में आकर के निवास करने लगती हैं, साधकों को हर प्रकार के धन वैभव प्रदान करती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि गुरुवार के दिन जब आप व्रत रख रहे हैं तो केले का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन केला नहीं खाना है। जी हाँ, स्वयं को केले का सेवन नहीं करना चाहिए, सारे दिक्कतें खत्म हो जाते हैं। तो आप भी गुरुवार के दिन इन उपायों को अपना करके अपने भाग्य उदय कर सकते हैं। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।